घर बैठे भगवान दर्शन देती थी गृहस्थ भक्त, क्यों अब आजकल जटा रखे हैं, धूनी ताप रहे, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे लेकिन बेकार भरी पड़े हैं, उनको खुद भगवान नहीं मिलते। हम भैया कोई संधि भजन कर रहा दिन रात, मरते समय यदि एक पशु का स्मरण आ गया, स्मृति आ गई तो पशु ही बनना पड़ेगा, लेकिन उसका जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, जल्दी प्राण छोड़ के फिर अच्छी गति फिर मिल जाएगी। संत बनने आ रहे थे चित्रकूट, तो कटनी में ही दुष्ट लोगों ने मार डाला हमको। कैसे? हनुमान जी की भक्ति करते थे, पागल हो गए जैसा, निकाल लिए खून, दुष्ट लोग मार डाले। किनको? हमको, उस जन्म मार दिया। हाँ फिर मार दिए का है, वैसे जन्म में जब चित्रकूट आ रहे थे यहीं, तो कटनी में दुष्ट लोगों ने पकड़ के खून निकाल लिए, खून सब निकालने को तो मर ही जाएंगे। पिछले जन्म भी आप संत थे? हाँ, संत बनने आ रहे थे। इतने भगवान कितनी कृपा की, संत फिर बनने आ रहे थे। अच्छा साथियों, हाँ एक बोल दूँ, बोले वो दोनों एक ले ला। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास, आपके सामने एक बार फिर धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी तपस्वी संतों की श्रृंखला में आज मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो बज्रानंदी है, और साथ ही साथ उनके आपको मैं कच्ची कुटिया के भी दर्शन करूँगा, उनसे सत्संग मिलेंगे, उनके जीवन का अनुभव भी हमारे सामने शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इनके वचन थोड़े से कड़वे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके थोड़े वचन कड़वे जरूर लगते हैं, मुझे माफ़ कर देना। इनकी सत्संग बड़ी दुर्लभ है हमारे लिए, तो मिस मत करना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आपको छोटी सी ध्यान से देखना। महाराज जी थोड़ा धीरे बोलेंगे, फिर भी आवाज़ में थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप एक बार अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ कर देना वॉइस में। और जैसे आप देख पा रहे हो मेरा धर्म रथ वहाँ खड़ा किया हुआ है, वहाँ जैसे रोड देख पा रहा हूँ, कच्ची रोड, वहीं तक आपने देखा था अभी रास्ते से आए थे, धर्म रथ को वहाँ खड़ा किया। अब इस जंगल में जैसे आप देख रहे हो विष्णु, इस जंगल में हम प्रवेश करेंगे और कई नदी कई नाले हमें पार करके वहाँ तक पहुँचना है, और धर्म रथ तो अपने स्वयं रक्षा भगवान कर रहे हैं, और हम जाएंगे इनके पास संतों के दर्शन के लिए। और आप सभी से कहूँगा आ जाओ और संतों की धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन कीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ विष्णु। सबसे पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपको हमारी धर्म की यात्रा कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना जरूर करोगे ना, और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अगर कोई सवाल करना चाहता है, मेरी कोई गलती है, मेरे से कोई कमी होती है तो बता देना, मैसेज भी कर देना, कर रहे हो ना। हाँ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरा हौसला बढ़ा रहे हो ना, देखता हूँ कितना हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक नदी भी पार करनी है, आपके हौसले से नदी आसानी से पार हो जाएगी मुझे विश्वास है, करोगे ना, मुझे विश्वास है कर दोगे। हाँ तो अब चलते हैं, और विष्णु भैया आ जा, आगे डंडी मार्ग वापस मिल जाएगा अपने को इस तरफ है ना। कष्ट करना ही पड़ेगा महाराज, ये मानव का तन पाए हैं। अरे बस आसन पुजारी बैठ, और जो रट लिए हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना, जो अनुभवी संत हैं वो साधना करके अनुभव किए हैं उनका संग करना, इसलिए मनुष्य इसलिए भक्तों को कोई फायदा नहीं पड़ता। थोड़ा हाई फाई देखे, गाड़ी फाड़ी देखे, बड़ी चगन मन देखे, उनको भगवान मानने लगे। अधिकांश सबसे बिगड़े हुए वही होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े लोग कम, अधिकांश सबने अधिकांश। हम क्यों यहाँ पड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज जी की कुटिया दिखा रहा हूँ भक्तों, आप देख पा रहे हो महाराज जी की किस प्रकार संतों की कुटियाँ हैं, और जो भी आपके जैसे ठाकुर जी के दर्शन कर लें, महाराज जी के ठाकुर जी
आसन से दूर है ना। भगवान तो सब एक ही। अरे महाराज जी, सब भगवान आप ही। अरे आप ही भगवान। बस ये महाराज जी का प्रसाद बनाने का स्थान। कहाँ रुके हैं? क्या किन क्या? नहीं, जंगल में रुके थे अकेले। मैं कुटिया टेंट लगा लेता हूँ अकेला। अच्छा, टेंट लगा लेता हूँ। और इससे महाराज जी के पत्ते नहीं झड़ते ना, कचरा नहीं आता अंदर। हाँ, कचरा नहीं झड़ता। और अभी गर्मियों ने बनाए ना तो घुन गिरता है, लकड़ी घुन जाती। अच्छा, पहले इस तरफ रहती थी यहाँ। हाँ, थोड़े आगे। अच्छा, ये पूरा कच्चा बनाया, हाथ से बनाया आपने? अपने स्वयं हाथ से। महाराज जी ने अपने हाथ से बनाया? केवल दो दिन भर भगत मदद की थोड़ा। और अकेले बनाए पूरा के टूट और सब कुछ अकेले? महाराज जी ने अकेले कच्ची कुटिया बनाई है। महाराज, दीमक आपको ये नष्ट नहीं करती है? यहाँ की दीमक करती है तो अब झड़ाना पड़ता है। देखो जी, एकांत पढ़ने का मतलब यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। भगवान के चरणों में जब अनन्य प्रेम हो जाता है तो सब विकार भाग के भाग जा सब विकार भाग जाते हैं। जब सब विकार भाग जाएंगे तो भगवान तो मिले ही मिलाए, मुख्य बात तो यही है। अच्छा, सब विकार भागे कि भगवान मिले, इसका मतलब है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब हमको भगवान नहीं मिले। हाँ, लगे रहो, निश्चय आपको संस्कार बनती रहेंगे आपके। कैसे जन्म में मिले तो जन्म मिले। महाराज जी, जैसे बहुत सारे साधक होते हैं मेरे जैसे, और जो भक्त माल में गृहस्थ भक्त हैं उनको घर बैठे भगवान दर्शन देती थी। क्यों देती थी? कोई विकार को तोड़ के फेंक दी तिनके के समान। नामदेव जी कुत्तम ही भगवान देखते थे। रोटी वाली बात याद आती है रामदेव जी। महाराज, तो उनको घर बैठे भगवान दर्शन देती थी गृहस्थ भक्त। क्यों? अब आजकल जटा रखे हैं, धूनी ताप रहे, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे, लेकिन बेकार भरे ही पड़े हैं। उनको खुद भगवान नहीं मिलते, समस्या तो यही है। अब किसी संत के आगे बात कहें तो बुराई लग जाएगी। आज भगवान में भेषधारी ज़्यादा छिपे हैं। वो तो बात दूसरी बात बताए, वो संस्कारी भी आडम्बरी हो गए, आडम्बरी में माया से लिप्त हो गए। हाँ, वो ही माया से लिप्त। अब वो बैठे करोड़ों अरबों का राजस्थान का आश्रम देख चीला को बैठे जंगल में वो महाराज। हाँ, बहुत सारे मठ दो दो स्थान छोड़ के चीला को देखे यहाँ बैठे। क्यों? उनका बैराग जंगल में रहने का, भजन करने का। पहले के राजा लोग क्यों राजपाट छोड़ के जंगल में तपस्या करने जाते थे? बनवे भी कुछ रखा है, त्याग बैराग भगवान में प्रेम वन में ही होता है, झोपड़ी में ही बैराग आता है। ये पक्की में आए कल बनाए तो आसक्ति उसमें आ जाएगी। आसक्ति? हाँ, आसक्ति उसमें आ जाएगी, बैराग कम रह जाएगा। बैराग कच्ची कुटिया में ही आता है भाई। जो त्याग बैराग की जो परिभाषा है, जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो ऐसी क्रियाएं करेंगे तब ना त्याग बैराग आएगा। अभी झोपड़ी है, प्रकृति की हवा लेना है, घास पत्ती की झोपड़ी है, तो इसी में बैराग आएगा। अब सोचो कि अरे भगवान तो भाव के भूखे कूलर पंखर में रहोगे, एसी में रहोगे तो कहाँ बैराग रहे जी? अपने राम जी पत्थर में सोते रहे, चट्टान में सोते रहे, वो अपने एसी पंखा कूलर में सो रहे, कहाँ का बैराग है? इसको बैराग थोड़ी मिल। हाँ, शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भैया, तो कूद पंखा तक चल जाता है, मच्छर बहुत है, पंखा तक चल जाता है। अब जैसे हमारे गुरु जी बड़े त्याग वृत्ति के हैं भाई, शहर में अब आश्रम हो गए, अब शहर तो अयोध्या बन गए, तो वो आवश्यकता अनुसार चलते हैं। कूलर भगवान को लगाए मंदिर, लेकिन किसी को कूलर नहीं, केवल पंखा। इतना त्याग बैराग, ऐसा त्याग बैराग हो इतना तक चल जाता है। इसलिए भगत लोग जंगल भागते, इसलिए जंगल भागते कि जो हमारे जैसे कर रहे शहर के महात्मा, हम भी मखवली गद्दम सो रहे, मखवली गद्दम सो रहे, हम भी एसी में रहते हैं कूलर में, ते भी कूलर उसमें रह रहे, कहाँ का त्याग बैराग। इसलिए जंगल ही भागते हैं, कहने का मतलब हमारे। अच्छा।
तो महाराज जैसे भगवत प्राप्ति कैसे होती है आपके अनुसार? भगवत प्राप्ति केवल विकारों को तोड़ दो लोगों, तो मोह है जो विकार रूपी मोह है वो कैसे तोड़ा जा सकता है? मार क्या है? सबसे मुख्य वही है, आसक्ति ही बंधने कारण है। जितने सब देख रहे जीव जंतु पशु पक्षी आसक्ति के कारण बन रहे थे। मुख्य काम आसक्ति है, आसक्ति को तोड़ के फेंक दो भगवान मिले ही मिला है। तो फिर कर्तव्य का नाम लेके वो कह रहे आपका कर्तव्य ये है, तो उस कर्तव्य के नाम के आधार पर तोड़ नहीं पाते हैं। अब देखो, अब यही तो समझते बताने को, एक इसमें गूढ़ बात यह है कि ये घर है जी, किसका घर है? हमारा घर है, लेकिन अंदर से उसका मान। अच्छा, अंदर से उसका मान भगवान का। आप बच्चा को लिए पालन पोषण कर रहे, अच्छी बात, लेकिन बच्चे को हृदय में नहीं बिठा रहे, कन्हैया जी को भगवान को हृदय में बिठा, उसका पालन पोषण पूरा करो, उसका बच्चे का बालकों का माता पिता का पालन पूरा करो। अच्छा, लेकिन हृदय में भगवान को बिठा रहो, व्यवहार निभाते चलो लेकिन अंदर से उनको मानते चलो। जब तक धर्मशाला में रहना है तो रहो, फिर मैनेजर को चाबी थमा और चलते आगे बढ़ो। यही में तो मुख्य बात, जितना सब चक्कर है ना, तो आसक्ति का चक्कर, जो कुछ आसक्ति का, अंत में जैसी मति वैसी गति, जैसी आसक्ति रखेंगे वैसे गति मिलेगी आपको। हम भी बाबा हैं, किसी में आसक्ति कर देंगे तो अंत में वही गति में होगी, लेकिन भक्ति के प्रताप से उसका जल्दी उससे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, हम भैया कोई संधि भजन कर रहा दिन रात, मरते समय यदि एक पशु का स्मरण आ गया, स्मृति आ गई, तो पशु ही बनना पड़ेगा, लेकिन उसका जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, जल्दी प्राण छोड़ के फिर अच्छी गति फिर मिल जाएगी, भक्ति का ही प्रताप। यही तो होता गृहस्थ में, ममता रखे रहते हैं घर, लड़का नाती पंती सबसे, मरते समय फिर वही बनना पड़ता है, नथ भविष्य भविष्य पेट से जन्म लेना पड़ता है। बोले तो हमारे दादा बब्बा का समूह है लड़के का, दादा बब्बा में स्वयं आए हैं, इसलिए आसक्ति मत किसी में, आसक्ति किसी में नहीं। हाँ, और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सत्य वचन और दीनता, सत्य वचन और दीनता परत्रिय मास समान, इतने में हरि न मिले तो तुलसीदास जी मान, इतना कोई करे तो सत्य वचन बोले, पराई परत्रिय मान, दूसरी की स्त्री को माता समान माना, परत्रिय मास समान, इतने में हरी न मिले तुलसीदास जी माने, नियम तो कोई करे, तुलसीदास जी गारंटी लेते हैं हम उस भगवान दर्शन करवाएंगे, इतना कंट्रोल करे कोई तो। कंचनो कामनी, बाबा हो चाहे गृहस्थ, तो कंचनो कामनी की टेक नहीं चढ़ पा रहे, जो कोई टेक चढ़ गया तो समझ लो जीवन सफल। और ये कंचन कामनी कैसे टिक पाए? ये सत्संग से होता, सत्संग से, सत्संग से ही भजन कर पाएगा कोई, सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। आपसे हम बोले एक घंटा जप करें तो मन ही ना लगेगा, जब सत्संग करेंगे भगवान की कथाएं सुनेंगे जब उसमें डूब जाएंगे तब मन लगेगा, मुख्य बात तो ही है। बोले हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, कैसे मन लगे, सत्संग कर नहीं रहे तो उसी में डूब जाएंगे। जब भगवान का लीला सुनेंगे, उनका स्वभाव सुनेंगे, अरे बताओ पूतना तो यहाँ बैठ जाओ, नहीं बैठे बैठे बैठे, पूछना तो देखो इस तरह बस लगा के गई थी, उसको ही भगवान माँ की गति दी, तो ऐसे दयालु भगवान क्यों ना भजें, ऐसी बहुत सी बातें जब सुनेंगे सत्संग में, और बहुत सी बातें तब मन लगेगा भगवान की, भाई कितना बड़ी दयालु भगवान।
महाराज जी, मानता हूँ भगवान कृपालु दयालु है माँ से भी अधिक, लेकिन एक कहा जाता है, ग्रंथों में भी कहा गया है, शास्त्रों में, लेकिन एक अनुभव की अलग बात होती है। एक जैसे हम इस रास्ते से, हमें पता है कि नाला पार करना है, नदी पार करना है, और जो किसनी रोड से है तो उसको क्या पता नाला किस तरफ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा, आप जंगल में एकांत में भजन कर रहे हैं, कच्ची कुटिया में कर रहे हैं, आप स्वयं ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा, क्या प्राप्ति हो रही है? देखो ऐसा है कि जब वो सीढ़ी चढ़े जाएंगे तो अपने आप अनुभव हो जाता, अभी सीढ़ी लगे हैं चढ़ने में। अच्छा। माने साधना शुरुआत है, उस जन्म में तो संत बनने आ रहे थे चित्रकूट, तो कटनी में ही दुष्ट लोगों ने मार डाला हमको। कैसे? हनुमान जी की भक्ति करते थे, पागल हो गए जैसा, निकाल लिए खून, दुष्ट लोग मार डाले। किनको? हमको, उस जन्म में मार दिया। हाँ, फिर मार दिए का वैसे जन्म में, जब चित्रकूट आ रहे थे यहीं, तो कटनी में दुष्ट लोगों ने पकड़ के खून निकाल लिए, खून सब निकाल लेंगे तो मर ही जाएंगे। हाँ। तो मति हमारी बनी थी कि चित्रकूट में ही रहना, किसी महापुरुष की शरण में रहना, गुरु बनाना, वहीं रहेंगे, भजन करेंगे। वही मति बनी रही अंत समय तक में चित्रकूट वास हो ही रहा हमारा, बिल्कुल वापस पुनर्जन्म। हाँ, पूर्ण किस्मती के अंदर चित्रकूट रह ही रहे कई साल। पिछले जन्म भी आप संत थे? हाँ, संत बनने आ रहे थे, इतने भगवान कितनी कृपा की, संत फिर बनने आ रहे थे। अच्छा, बताते हैं ब्राह्मण लोग, ज्योतिषी लोग, घर के लोग के सबसे बड़े हमारे भाई थे रामदास, हनुमान जी की भक्ति करते थे। तो पिताजी मोटे मोटे रस्तों से बांधते थे, पेड़ के पेड़ बांधते थे, रस्ता तोड़ डालते थे, आवेश आ जाता। सोचे कि अभी संसार आसार छोड़ो, चित्रकूट में जा भजन करो, भगवान किस महापुरुष की शरण लिया जाएगा। तो आए, पागल हो गए, दुष्ट लोग निकाल लिए खून कटने में, वो स्मृति बनी रही, वो स्मृति लो यही फिर हमारे वास्तव सत्य बात, लो चित्रकूट वास मिल रहा हो, कर ही रहे कई साल, कई पहले कई जगह घूम ले, कहीं न रुक पाए, अंत में फिर यही स्मृति करना। महाराज जी कहना नहीं चाहिए, मतलब देखो कर्म करती रहो, लकी रहो, उनके ऊपर छोड़ दो, सब करवाएंगे जिनकी जैसी उनकी इच्छा होगी, कहने का मतलब है। आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी अभी इस जन्म में? देखो एक घटना अनुभव, ये बात दूसरी, सीताराम चरण रति मोरी अनुदन वर्ण अनुग्रह तोरी, इससे बड़ा अनुभव कुछ है ही नहीं। उसमें लगे रहो, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता ही रहे, तो समझ लो कि हमारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे, हमारे निश्चय कल्याण होगा, सब विकारों को त्याग करके, सबसे बड़ी मुख्य बात है। चमत्कार में अनुभव में न पड़ना चाहिए, नहीं, जिससे कि हमारी आस्था लोगों की ओर बढ़े, जिससे हाँ ये हमें भी फल मिलेगा। जैसे हमें पता है 3 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद आपकी कुटिया आ रही थी, तो हम संतोष से पूछा भाई अब आशा थी कि 4 किलोमीटर चलिए, 1 किलोमीटर और चलें, तो उससे क्या हमारे धर्म का आस्था और बढ़े, तो इसलिए मैं जानना चाहता था भाई हमें भी यह फल मिलेगा, ऐसा हमें भी अनुभव होगा। देखो फिर ऐसा आपका भाव सोचा जाए तो संत के जो दर्शन को चलता है, शास्त्र बताते हैं कि एक कदम बढ़ेगा उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है, श्रद्धा से चले तो जी। अब किसी भी संत के श्रद्धा दर्शन करने जाते हैं उसका फल मिलेगा, उस संत में जैसे गुण होंगे उसको मिले, वो फल मिलेगा, लेकिन जो दर्शन करने आता उसका पूरा फल मिलेगा, भले वो नकली बाबा के दर्शन क्यों ना करने जाता, होना चाहिए श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा का मतलब। तो यही तो जीवन में समझना यहाँ कि किनका संग करना है, क्या करना है, ठोस ठोस बातें समझना है। अब गाड़ियाँ हो गई बहुत, हजारों चेला हो गए, बढ़िया रोज भंडारा हो रहे, उसी को मान बैठे भगवान,
और खुद ही माया में अटके तो चेला को ग्रह किसी गृहस्थ को कैसे बंधन से छोड़ो छुड़ाएंगे। अब कथा तो खूब कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, समय स्वयं बंधन से मुक्त नहीं तो बंधन से कैसे छुड़ाएंगे बताओ। सत्य बात, ज्ञान तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो अपनी माया में बंधन में फंसे, गृहस्थ में फंसे, बंधन में फंसे, तो बंधन से दूसरे कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए डोंगरी जी बहुत परम त्यागी संत थे, बिल्कुल भगवान के अनन्य भक्त, बहुत त्यागी महात्मा थे। तो जिसको कथा जो उनकी कथा सुनता था निश्चय बिल्कुल सर पड़ता था, जो उनकी कथा सुनता था तो रोता था वो जो आपके कथा में जो कथा सुनाते हैं वो हंसते हंसते निंद्रा ले, कितना अंतर। गाने बजाए स्वामी राम सुखदास कहते थे तो कितना सर पड़ता था संसारी लोगों ने। मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है। कितना सर पड़ता था जी। बोलते थे क्या अधिकार है दुनिया को चरण धोने पिलाने का, क्या अधिकार है दुनिया को पिलाते हुए चरण धुला के। वो खुद ने आज तक कभी फोटो या अरे वो पता है कितने अनन्य भक्त थे। हाँ जैसे कोई भगवान का अनन्य भक्त है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, वेद शास्त्र के अनुसार चलता हो, देखो वेद शास्त्र कोई खराब चीज़ नहीं, भक्ति रूपी जो वृक्ष है उसको पुष्ट करने के लिए ग्रंथ हैं, ग्रंथ ना होते तो मनुष्य पशु हो जाता। तो भगवान कोई अनन्य भक्त है, विकारों को त्यागे हुए है, शास्त्र के अनुसार चलता है, वो ही परम गुरु है, उसको कम न समझना है महाराज। क्यों देखो एक बात छड़ गई थी हमको, कहे जो गुरु अपने चेला को दर्शन नहीं करवा सकता भगवान को, आपने स्वयं नहीं किया वो चेला को क्या दर्शन करवा सकता है। बिल्कुल हमने कहा बिल्कुल आपकी गलत बात। किस प्रकार? इस प्रकार गलत है कि पहले जन्म से ही यदि संत हुआ है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, विकारों को त्यागे हुई है, भगवान को भजन में लगा है, तो वो वास्तव भगवान के पास जाएगा और चेला वो उसको बनेगा, वो चेला को भगवान की रास्ता बताएगा। इस जन्म में भगवान न मिलेंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे, उसको संस्कार उसके बनते ही रहेंगे अच्छे। यही मूर्खता है आजकल गृहस्थ लोगों की अधिकांश, यही मूर्खता है। अरे किसको गुरु बनाए, उनको भगवान नहीं मिले तो हमको क्या भगवान से मिलाएंगे, यही रटना रटा है। हाँ सत्य, यही मूर्खता है, यही तो समझना है बात। जो सदा भगवान में लगा ही है, सब बेकार को त्याग के, उसको तो भगवान मिले ही मिला है। कभी दास खोजो बोलते हैं, सब बेकार को त्याग के भगवान को भजो, गारंटी हमारी भगवान मिले ही आपके समान। सबसे बड़ी मुख्य बात यही है, गृहस्थ भटकता। अच्छा महाराज, आपको कभी भगवान के दर्शन हुए? कभी स्वप्न में हो गए एक दो बार। क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार अनुभव? देखो जैसा ध्यान करेंगे उसी प्रकार की झांकी दिखती, झांकी। और ध्यान में तो वो तो आप दिखता ही है ध्यान में, झांकी देखो जिस भगवान कोई 10-50 तो नहीं, भगवान एक। लेकिन जिस तरह से भक्त उनको मानेगा, पूजेगा, स्मरण करेगा, उसी तरह से भगवान दर्शन देते हैं। हम वनवासी भगवान का ज़्यादा ध्यान देते, मंदिर में भी भगवान राजसी भगवान के दर्शन करने को तो हमको उनकी वनवासी की झांकी दिखाएगी, बढ़िया सुंदर वन, उसी में राम जी मैया जी लक्ष्मण जी बैठे नीचे उनके चरणों पर, और बहुत फलपूर्ण से लदा हुआ जंगल है बुद्ध, यही हमको जैसा ध्यान करेंगे वही आपको दिखेंगे भगवान, कोई भगवान 10-50 तो नहीं, जैसा ध्यान करेंगे वैसे दिखेंगे आप। मना जी क्या मैं अगर जैसे कहूँगा आपके पास सत्संग लेने वापस कभी आना चाहूँ आपके चरणों में, क्या मैं आ सकता हूँ? भाई देखो इतने अनन्य भक्त तो हम नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन महाराज जी जो आपसे लेकिन श्रद्धा के अनुसार जो भावना जो रखता है उसके भगवान पूर्ण करते हैं।
ऐसी बात है महाराज। अगर हम एक बात की हमारे समाज पूरा देख रहा है भक्तगण, तो आप कड़वे वचन भले ही हो हमें, लेकिन कुछ आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए उनका औषधि के रूप में काम करे। नीम कड़वा भले ही है, करेला कड़वा भले ही है, लेकिन वो औषधि एक, उसी प्रकार आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। देखो ऐसा है कि कोई संत हो चाहे कोई गृहस्थ हो, सबसे मुख्य बात ये विकारों को ही तोड़ना। भगवान क्या बोलते हैं कि हम कैसे तेरे घर में बैठें जब जगह ही नहीं। वही विकार जो भरे हैं घर में, जगह ही खाली ही नहीं तो कैसे बैठे। और जब विकार भाग जाएं, खाली हो जाते, भगवान आके बैठ जाएंगे। यही तो मुख्य बात है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं विकारों को खाली करना है अपने हृदय से, विकार नहीं होने चाहिए शरीर के मन में। और महाराज जी ने जो जीवन का अनुभव भी बता रहे हैं, महाराज जी के पास मैं वापस आऊँगा थोड़ा सा। महाराज जी भजन और पूजा कर रहे थे, मैं बाधा बना, मैं माफ़ कर देना, अब बहुत हूँ मैं तो। देखो सत्संग से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अब आपको कब आना है कोई निश्चय? पाठ पूजा थोड़ा लेट हो जाएगी, अब आपको कब आना है कब नहीं आना? ठाकुर जी राम जी की इच्छा मेरी। अब संयोग बस आ गए, चलो बैठ गए। अब पास में तो नहीं कि कभी भी आ जाओ या मिलना, सब मिलना जुलना सब संयोग की बात है। संयोग चाकर भी नहीं आ सकते। बहुत लोग बिछड़ कर मिलना है, संयोग की बात है। कोई निश्चय नहीं कि फिर मिल जाने, जीवन कोई ठिकाना नहीं, कल का कुछ एक क्षण का ठिकाना मतलब एक सत्संग का अभिलाषा तो है। इसलिए चीजें तत्काल होना चाहिए सत्संग की। जी जैसे महाराज जी कह रहे हैं सत्संग जहाँ मिले तत्काल ले लेनी चाहिए, उसे चूकना नहीं चाहिए। महाराज जी के जीवन का अनुभव हमने बताया, महाराज जी सत्संग लिया बताया गया। रंजनदास जी कथा में बोल रहे थे कि राजा यज्ञ को छोड़ दिया सत्संग कांड संत आए सत्संग करना, यज्ञ चलो बाद में हो जाएगा, यज्ञ को छोड़ दिया, सत्संग में बैठ गए थे राजा। तो ये चीज़ें बहुत, इतना समय नहीं है सत्संग के बारे में। देखो तात सर्व अपवर्ग सुख धरई तुलय गंग तुलना था जो सुख लो सत्संग। पूरे स्वर्ग का, पूरा स्वर्ग एक तरफ रखा जाए, एक लव माने एक सेकंड, एक सेकंड कह दो चाहे एक पल कह दो चाहे क्षण कह दो, एक पल का जितना सत्संग की हो उतना एक पलड़ा में रखा जाए। तो सत्संग वाला पलड़ा भारी पड़ेगा और स्वर्ग वाला पलड़े ऊपर उठ जाएगा। इतने सत्संग की महिमा बताया गया सुंदरकांड में, रामायण में। जैसे महाराज जी कह रहे हैं स्वर्ग से उसकी बड़ी मानी गई है सत्संग। और महाराज जी की आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संतों की महाराज जय। एकाली बता ये महाराज जी, और आवाज़ जैसे रिकॉर्ड करते हैं स्वामी जी की आवाज़ आपने सुनी होगी, हम आवाज़ थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमें वापस धार्मिक के जैसे ग्रंथ लिखे जैसे हम बोले तो उसमें आवाज़ आ गई होगी। हाँ अच्छा जी महाराज जी बढ़िया। वही वो महाराज जी हम कुटिया का फोटो लेने के लिए रखा है। अच्छा विष्णु महाराज जी कुटिया का थोड़ा दर्शन करा। आप तो किसी के चक्कर मत पड़े जी महाराज, उतने त्रिकालदर्शी कोई संत हों जैसे महाराज जी भी, कोई कोई मौसी से सत्संग करना चाहिए, बैठना चाहिए। अब देखने पुजारी जी आए थे, मानते संत हैं, ऐसी बात नहीं, किसी से बुराई फुराई नहीं। अब नहीं बोले ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी मदद करते भाई।